और इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको बड़ी खबर यह दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापसी की है सीबीआई में निदेशक आलोक वर्मा ने, और जब से वापसी की है तब से लगातार आलोक वर्मा एक्शन में, लगातार एक्शन में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा। देखिए आते साथ ही जो तबादले किए गए थे उनके पीछे उसे रद्द किया और आज 5 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आलोक वर्मा की तरफ से। कल आलोक वर्मा ने पुराने ट्रांसफर ऑर्डर्स रद्द किए थे और आज 5 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार आलोक वर्मा की तरफ से दिया गया है कि पूरी लड़ाई सीबीआई की नंबर 1 और नंबर 2 की जो थी उस पूरे मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ जो जांच का मामला, उसमें भी जो जांच अधिकारी थे उनमें बदलाव किया गया है आलोक वर्मा की तरफ से। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, पूरी तरीके से एक्शन में वापसी के बाद आलोक वर्मा नजर आ रहे हैं, क्या क्या बड़े एक्शन अब तक लिए? बिल्कुल, आलोक वर्मा जब से वापस आए हैं कल से, उन्होंने बैठते ही एक्शन में आ गए हैं। उनसे कल जो ए के बसी थे, जो राकेश अस्थाना केस के पुराने आईओ थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी और उसके बाद कल देर शाम सीबीआई डायरेक्टर ने 24 अक्टूबर को जो आदेश निकले थे वो सभी आदेश निरस्त कर दिए गए थे। उन्हीं आदेशों में राकेश अस्थाना केस के जो पुराने जांच अधिकारी थे डीएसपी एस गुरंग और एसपी एस गुरंग और डीएसपी ए के बस्ती, इन दोनों को वापस ट्रांसफर कर दिया गया है एसी थर्ड जोन में। इसके अलावा मनीष कुमार सिन्हा जो डीआईजी थे उनको भी वापस एसी थर्ड जोन में ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी इसका मतलब साफ तौर पर था कि जो नई टीम लगाई गई थी उसे पूरी तरह से रिप्लेसमेंट किया जाना था। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब आज मनीष कुमार सिन्हा डीआईजी ने हेडक्वार्टर ज्वाइन तो किया लेकिन उन्होंने एसी थर्ड डिवीजन, यानी कि जिस डिवीजन में राकेश अस्थाना का मुकदमा चल रहा है, उस डिवीजन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसके बाद उनको एसी फर्स्ट डिवीजन दिया गया है। लेकिन एसपी और डीएसपी इन दोनों पदों पर गुरंग और बस्ती की तैनाती किया सकती है और इसके लिए सीबीआई के एसपी को केवल एक आंतरिक आदेश निकालना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अदालत की तरफ से नीतिगत फैसले लेने पर रोक, लेकिन जब से वापसी की है आलोक वर्मा ने सीबीआई निदेशक के तौर पर, सरकार ने जो छुट्टी पर भेजा था उसे अदालत ने रद्द कर दिया था, तो वापसी करने के बाद सीबीआई में निदेशक के तौर पर आलोक वर्मा फुल फॉर्म में, एक्शन में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।